नमस्कार, दिल्ली तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्रा, देख रहे हैं दिल्ली तक। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति तुला राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं तो पूरे एक साल तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बृहस्पति का वृश्चिक राशि में गोचर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, किस राशि वाले को लाभ होगा, किस राशि वाले के जीवन से परेशानियां दूर होंगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए ये जानते हैं कि कब बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जिस दिन बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा उससे एक साल तक आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो आज का एपिसोड बहुत खास है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन और शनि का राशि परिवर्तन दो हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बृहस्पति एक साल में अपनी राशि बदलता है और शनि ढाई साल में अपनी राशि बदलता है। तो पूरे एक साल तक बृहस्पति अब वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, तो इसका असर बाकी राशियों पर, वृश्चिक राशि के साथ साथ बाकी राशियों पर क्या होगा, आज ये हम आपको बताएंगे। तो आपकी राशि पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या असर होने वाला है, ये आप जरूर आज देखिए। आज का एपिसोड बहुत खास है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 11 अक्टूबर को शाम को 7:20 में बृहस्पति जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करें। वृश्चिक राशि में बृहस्पति का ये जो प्रवेश हो रहा है 11 अक्टूबर को शाम को 7:20 पर, ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये कैसे प्रभावित करेगा, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आपकी राशि से 8वें घर में बृहस्पति गोचर करेगा। आप अपने ज्ञान और कार्य क्षमता के बल पर आने वाले एक साल में उन्नति करेंगे। आपकी राशि का यानी मेष राशि का स्वामी भी मंगल होता है और वृश्चिक राशि का जिसमें बृहस्पति जा रहे हैं उसका भी स्वामी मंगल होता है, तो मंगल का प्रभाव विशेष रूप से रहेगा और बृहस्पति की स्थिति जो है वृश्चिक राशि में बन रही है, मंगल की राशि में बन रही है, तो मेष राशि वालों को प्रबंधन के क्षेत्र में यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता मिलेगी। आपकी क्षमता जो मैनेजेरियल स्किल है वो और बढ़ेगी और आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप जो है कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप सफल अधिकारी बन सकते हैं, यदि बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उसमें आपकी मैनेजमेंट स्किल और बढ़ेगी, उसमें आपको सफलता मिलेगी, और यदि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको शोहरत हासिल होगी, आप अपनी फिल्में अपने सीरियल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2018 जो आने वाला है उसमें आप कुछ नया करने का प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी। विदेश से संबंधित कार्यों में भी आने वाले एक साल में आपको विशेष रूप से लाभ होगा। आइए अब बात करते हैं वृष राशियों के लिए बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहेगा, बृहस्पति का वृश्चिक राशि में प्रवेश कैसा रहेगा। देखिए, वृष राशि से 7वें घर में गुरु ग्रह गोचर करेगा। वृष राशि वालों के लिए ये है कि 7वें घर में जो ये जो गुरु का गोचर है ये आपको पूरे एक साल तक क्या क्या रिजल्ट देने वाला है ये जान लीजिए। देखिए, वृष राशि वालों के जो रुके हुए कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे, पूरे होने शुरू हो जाएंगे, आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो सब दूर हो जाएंगी। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं शुरू कर पाए हैं उनको भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आपके अच्छे दिन मान लीजिए कि बृहस्पति के गोचर से शुरू हो जाएंगे, आपके कार्य बनने लगेंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब में इस साल जो आने वाला जो मार्च का टाइम है जब प्रमोशन होता है, अप्रेजल होता है, तो उसमें आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार आगे बढ़ेगा। जो लोग वृष राशि वाले बेरोजगार हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही हो उनको अच्छी जॉब मिल सकती है। और हाँ, लाइफ पार्टनर से संबंध और मधुर होंगे। वृष राशि वाले जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी शादी के भी योग बन रहे हैं, परिवार में भी खुशहाली बढ़ेगी। वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर बहुत शुभ है। बारी आ गई अब मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर जो 11 अक्टूबर को होने वाला है ये कैसा रहेगा।
देखिए, बृहस्पति 11 अक्टूबर को शाम 7:20 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि वालों की जो मिथुन राशि है उससे छठे घर में जो है गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो आने वाले एक साल में मिथुन राशि के जो छात्र हैं उन्हें प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। तो यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो और मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती है। तो जो मिथुन राशि के लोग हैं वो अपने प्रयासों में किसी भी तरह की कमी ना रखें। स्वास्थ्य में जो है सुधार होगा, जिन लोगों की तबीयत खराब है यदि उनकी मिथुन राशि है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा आपको। रिश्तेदारों से संबंध और मधुर होंगे, रिलेशनशिप और मजबूत होगी। और यदि आपका कहीं कोर्ट में केस चल रहा है और आपकी मिथुन राशि है तो कोर्ट केस में भी आपको विजय मिल सकती है, ऐसे योग बनेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये वृश्चिक राशि में गोचर कैसा रहेगा? देखिए, कर्क राशि से पांचवें घर में जो है बृहस्पति का गोचर होगा, जो आपके लिए बहुत शुभ है। आपके संतान की तरक्की होगी, यदि बच्चे हैं तो आपके संतान की तरक्की होगी। और जिन लोगों की संतान नहीं है ऐसे कर्क राशि के जातकों को एक साल के अंदर संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। नई योजनाओं पर यदि आप काम करेंगे कर्क राशि वाले, तो निश्चित रूप से आपके कार्य सफल होंगे, कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको व्यापार में तरक्की मिल सकती है। छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है, तो छात्रों का पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपके अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। तो पूरे मन से पढ़ना शुरू करिए। यदि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर भी आने वाले हैं। बस डट करके मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, आलस्य बिल्कुल ना करें। आलस्य आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है। और हाँ, आलस्य की वजह से जो कर्क राशि वाले लोग हैं वो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य छोड़े नहीं। बारी आ गई अब सिंह राशि वालों की। आपकी राशि से चौथे घर में गुरु ग्रह का गोचर हो रहा है, यानी होने वाला है। तो आपके परिवार में इस बृहस्पति के गोचर से निश्चित रूप से खुशहाली बढ़ेगी। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, किसी की मैरिज हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, हवन हो सकता है, बहुत सारी जो है खुशियां आएंगी, पार्टी होंगी, फंक्शन होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के यदि कोई परेशानी चल रही है सिंह राशि वालों की, तो वो भी हल हो सकती है या सुलझ सकती है। आने वाले एक साल में परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपको धन लाभ भी होगा। जॉब में तरक्की के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें व्यापार बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। बस अहंकार को सिंह राशि वाले अपने ऊपर हावी ना होने दें। बारी आ गई अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि से तीसरे घर में बृहस्पति का गोचर होगा, तो मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा और मित्रों की मदद से आपके काम बनेंगे। जीवन साथी की उन्नति भी होगी, आपके लाइफ पार्टनर का भाग्य साथ होगा, और यदि वो जॉब कर रही हैं तो उस जॉब में उनको तरक्की मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों को भी सफलता मिलेगी। आप अपने ज्ञान को यदि बढ़ाना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो इस समय में कन्या राशि वाले कर सकते हैं। इस अवसर का, बृहस्पति का जो वृश्चिक राशि में गोचर हो रहा है, इसका कन्या राशि वाले बहुत फ़ायदा उठाएं। आलस्य की वजह से कोई भी काम बीच में ना छोड़ें, जम करके मेहनत करें, तो आने वाले साल में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दौलत और शोहरत भी कन्या राशि वालों को मिलेगी। बात करते हैं अब तुला राशि वालों की। ये जो बृहस्पति का गोचर 11 अक्टूबर को शाम को 7:20 में होने वाला है, इसका तुला राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपकी राशि से दूसरे घर में बृहस्पति का गोचर होने वाला है, तो ये गोचर आपको धन लाभ कराएगा। कड़ी मेहनत करना होगा, लेकिन आपको मेहनत में किसी भी तरह की कमी ना रखें। और हाँ, अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ करके करें। जो लोग मनोरंजन से जुड़े हुए हैं, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग या मैनेजमेंट से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनको जो है विशेष रूप से फ़ायदा होगा। ऐसे प्रोफेशन वाले लोग जो अपनी वाणी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जैसे सेल्समैन हैं, एडवोकेट हैं, जो अपनी वाणी के इस्तेमाल से जो है अपनी आजीविका कमाते हैं, उनको भी बहुत लाभ होगा। यदि उनकी तुला राशि है तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपके व्यक्तित्व में और निखार आएगा, आपको दौलत शोहरत सब मिलेगी। बस करना क्या है कि बृहस्पति के इस गोचर के दौरान अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जितनी विनम्रता रखेंगे उतनी ऊंची सफलता आपको मिलेगी। अब बारी आ गई वृश्चिक राशि वालों की। देखिए,
बृहस्पति का वृश्चिक राशि में गोचर हो रहा है, यानी आप ही की राशि में तो बृहस्पति आने वाले हैं 11 अक्टूबर को शाम 7:20 पर। तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे और खुशहाली को और बढ़ाएंगे। इस वृश्चिक राशि का जो गोचर है, जो खास करके जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि में ही बृहस्पति आने वाले हैं 11 अक्टूबर को शाम 7:20 में। तो वृश्चिक राशि वालों पर निश्चित रूप से इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। तो ये आपके स्वभाव को सबसे पहले प्रभावित करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव में गंभीरता और बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, उन्नति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आने वाले एक साल में आपको अच्छी कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन ईगो की फीलिंग आपकी परेशानियां बढ़ा सकती है, इसलिए अहंकार से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो ईगो की प्रॉब्लम आपकी उन्नति में बाधा खड़ी कर सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहें। और हाँ, वृश्चिक राशि वाले ऐसे लोगों की संगति से बचें जो गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और हाँ, जीवन साथी से मदद मिलेगी, घर में शांति रहेगी, आप जो कार्य करना चाहते हैं आने वाले एक साल में करने में सफल होंगे। बारी आ गई अब धनु राशि वालों की। आपकी राशि से 12वें घर में गुरु ग्रह का गोचर होगा, यानी धनु राशि वालों की राशि से 12वें घर में गुरु ग्रह गोचर करेंगे जब ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो विदेश यात्रा के अवसर आपको मिलेंगे और इन 12 महीनों में जो ये बृहस्पति का गोचर है इसमें आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, तो अपने खर्चों को काबू में रखने का प्रयास करिए। और हाँ, पैसा कमाने का प्रयास आपको बढ़ाना है लेकिन खर्चों में कंट्रोल भी उतना ही अधिक रखना होगा। मार्च 2019 में जॉब में बदलाव के योग बन रहे हैं धनु राशि वालों के लिए, नई जगह आपको नए अवसर मिल सकते हैं। इस साल स्वास्थ्य का भी ख्याल आप रखें। बारी आ गई अब मकर राशि वालों की। बृहस्पति का गोचर मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, आपकी राशि से 11वें घर में बृहस्पति का गोचर होगा, यानी बृहस्पति की स्थिति होगी, तो ये स्थिति आपको धन लाभ कराएगी, मैनेजमेंट के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे, मन में जो बेचैनी है वो भी दूर होगी, अचानक नए कार्य शुरू करने के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। बस आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख करके फैसले करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये साल आपके लिए शुभ है, आपके लिए तरक्की के योग आने वाले 12 महीनों में बनेंगे। परिवार में जो परेशानियां आ रही हैं वो लगभग आने वाले 6 महीनों में दूर हो जाएंगे। अब बारी आ गई कुंभ राशि वालों की। ये जो बृहस्पति 11 अक्टूबर को शाम 7:20 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ राशि से 10वें घर में बृहस्पति गोचर करेंगे, बृहस्पति की स्थिति होगी, तो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि 10वां घर कार्य क्षेत्र का माना जाता है, प्रोफेशन का माना जाता है। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है या जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को अच्छी जॉब मिल सकती है। आने वाले 6 महीने में आपकी रोजगार से संबंधित जो भी परेशानियाँ हैं सब दूर हो जाएंगी। परिवार में जो टेंशन है वो भी आने वाले समय में दूर होगी, यानी परिवार की परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ के योग भी कुंभ राशि वालों के लिए बन रहे हैं। इस साल आपका मान यश और बढ़ेगा। अब बारी आ गई मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है, बृहस्पति जो वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं 11 अक्टूबर को शाम 7:20 में, तो ये मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि से 9वें घर में बृहस्पति का गोचर होगा, ये आपके भाग्य को और बढ़ाएगा। जो कार्य अभी तक आपके अटके हुए हैं उन्हें पूरा करने में अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, यानी ये समय आपके लिए शुभ है, आपकी योजनाएँ सफल होंगी, संतान से आपको खुशी मिलेगी और आगे आने वाले समय में यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें, क्रोध में आकर के मीन राशि वाले कोई बड़ा फैसला ना करें। तो ये बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर था हमारा विशेष एपिसोड पूरे एक साल के लिए। तो आपकी जो भी राशि है उस राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं, 11 अक्टूबर को शाम 7:20 में बृहस्पति तुला राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और पूरे एक साल तक रहेंगे। तो बृहस्पति का ये जो गोचर है एक साल तक वृश्चिक राशि में, ये किस राशि को कैसे प्रभावित करेगा ये हमने विस्तार से बताया। आप
अपनी राशि के हिसाब से देखिए, और यदि कोई मन में सवाल हो तो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली बना करके यदि सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिए, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और अगली बार उनके जवाब भी देंगे। तो देखते रहिए दिल्ली तक। नमस्कार। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।